अल्लाम डी ए स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्रेट साइंस अकेडमी दिसदुल्कदीर मालिक डी स्टूडेंट्स आज हम पेपर पेयरिंग स्कीम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फेडरल बोर्ड अलेवन्थ क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं डी ए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सेक्शन ए के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाप का सेक्शन होगा इसके लिए डी स्टूडेंट्स जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर होंगे वो हमारे पास ट्वेंटी नंबर होंगे और इसके लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास ट्वेंटी फाइव मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड होगा ये स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कोविड की वजह से आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाई और मोस्टली आपको ऑनलाइन पढ़ाया गया और हम जानते हैं कि ऑनलाइन के अंदर मैथमेटिक्स को पढ़ाना इम्पॉसिबल uh, है एक फार्मेलिटी पूरी की जाती है कि हमने क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है लेकिन जो स्टूडेंट्स फिज़िकल क्लासेस के अंदर सीखता है वो ऑनलाइन के अंदर नहीं सीखता खैर जैसे भी करके स्टूडेंट्स ने यूट्यूब से हेल्प ली कुछ हेल्पिंग बुक्स निकाल कर उन्होंने हेल्प ली कुछ अकेडमीज जाकर उन्होंने हेल्प ली जैसे करके भी उन्होंने सब्जेक्टिव को तो प्रिपेयर कर लिया अब बात आती है ऑब्जेक्टिव की डी स्टूडेंट्स जैसे आप ऑब्जेक्टिव को लेकर परेशान हैं इसी तरह आपके जो सीनियर दोस्त थे सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स थे वो भी परेशान थे उनकी भी परेशानी को हल किया मैंने कैसे मैंने हल किया डी स्टूडेंट्स उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया उनको मैंने अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर थे जो मैंने अपने आ, स्टूडेंट्स को पढ़ाया सिखाया जो मैंने अपना एक्सपीरियंस था वो उनके साथ शेयर किया उन नोट्स के अंदर और वो डी स्टूडेंट्स जो मेरे ऑब्जेक्टिव हैं वो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव हैं कि अगर उनको प्रिपेयर कर लिया जाए तो बोर्ड वाले जिस मर्ज़ी का एम डाल दें स्टूडेंट्स उसको अटैम्प कर लेंगे वो इस टाइप के एम हैं सो so, डी स्टूडेंट्स अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर ट्वेंटी बाई ट्वेंटी नंबर आए सो डी स्टूडेंट्स आप मुझसे लाजमी कॉन्टेक्ट करें क्योंकि इसका रिवार्ड मुझे कैसे मिला मुझे कैसे श्योरिटी हुई कि स्टूडेंट्स कैसे सैटिस्फाइड हुए उन्हीं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल्स की कमेंट्स में कहा मुझे मैसेजेस किए उन्होंने कहा कि सर वेरी वेरी थैंक यू कि वो इतने खुश थे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितने खुश थे कि उनके सारे साल के अंदर ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं हुई उन्होंने क्या किया सिर्फ तीन घंटे लगाए और तीन घंटे के अंदर जनाब उन्होंने अपने ट्वेंटी नंबर्स uh, का जो पेपर था उसको प्रिपेड किया सो डी स्टूडेंट्स अगर आप भी ट्वेंटी नंबर हासिल करना चाहते हैं तो जो स्टूडेंट्स मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं वो इंस्टा पे मैसेज करें मेरी इंस्टा की आई है ए एंड व्हाट्सएप मेरा नंबर है जो मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है जीरो थ्री फोर वन फाइव एट थ्री एट फोर नाइन वन कल मैंने डी स्टूडेंट्स आल पंजाब बोर्ड्स की पेनिंग स्कीम जब शेयर की तो उस टाइम भी मैंने यही बात की थी तो मोस्टली स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया उन्होंने नोट्स मुझसे मांगे मैंने उनको प्रोवाइड भी किए अब वो प्रिपेयर कर रहे हैं इन शबारक तला जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो अपने आप को इस काबल समझेंगे कि वो एम सी क्यूज़ को अटैम्प कर लेंगे सो so, जो स्टूडेंट्स अभी नहीं ले सके उन नोट्स को सो डी स्टूडेंट्स आपके पास दिन बहुत कम है मैं 100 परसेंट कहता हूं कि अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेंगे तो आप 20 नंबर के जो एम हैं उनको बड़ी आसानी के साथ अटैम्प कर लेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं डी स्टूडेंट्स सेक्शन जो आपका होगा चलें इससे पहले डी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि किस चैप्टर में से कितने कितने एम आएंगे क्योंकि अभी हमारी ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिस्कशन चल रही है एक एमसी क्यूज पूछा जाएगा क्यूज पूछे जाएंगे भी एक चैप्टर फाइव में से भी एक चैप्टर सिक्स में हमसे दो और चैप्टर नंबर सेवन में हमसे एक एम सी क्यूज पूछे जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर नंबर एट है इसमें हमसे तीन एम सी क्यूज पूछे जाएंगे चैप्टर नाइन में हमसे एक चैप्टर टेन में दो चैप्टर अलेवन में हमसे एक चैप्टर ट्वेल्व में हमसे दो और इनवर्स और थर्टीन एंड फोरटीन चैप्टर में हमसे एक एक एम पूछा जाएगा सो डी स्टूडेंट्स इस तरह आपके ट्वेंटी uh, नंबर के जो एम हैं वो आपसे पूछे जाएंगे किस चैप्टर में से कितने कितने एम आएंगे वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव के लिए जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर होंगे वो हमारे पास होंगे जी एटी इसके लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास होगा जी टू हार्स एंड थर्टी फाइव मिनट्स सेक्शन बी जिसके अंदर हमने फोर्टी मार्क्स का जो पेपर है वो अटैम्प करना है इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर टू है इसमें हमें टोटल फोटीन पार्ट दिए जाएंगे उन फोटीन पार्ट्स में हमने कोई से टेन पार्ट्स सॉल्व आउट करने हैं और हर पार्ट्स के चार नंबर होंगे ठीक है जी सो so, इस तरह आपके इस सेक्शन में फोर्टी नंबर के जो पेपर हैं फोर्टी नंबर का जो पेपर है वो अटैम्प होगा आगे जाके मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन नंबर टू के अंदर uh, किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी होगा इसमें भी हमारे पास फोर्टी मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा इसके अंदर हमने कोई से फाइव जो क्वेश्चन हैं वो अटैम्प करने होंगे हमें सेवन क्वेश्चन दिए जाएंगे इनमें हमने कोई से फाइव क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के लिए आठ नंबर होंगे जी तो डी स्टूडेंट्स सेक्शन बी की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू अटैम्प्ट एनी टेन पार्ट्स हमने इसके अंदर टेन पार्ट्स को अटैम्प करना है अब किस चैप्टर में से कितने कितने जो क्वेश्चन हैं यानी कि जो पार्ट्स हैं वो पूछे जाएंगे डी स्टूडेंट्स मास वाय चैप्टर सिक्स के बाकी तमाम चैप्टर में से आपसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर नंबर सेवन को छोड़ के चैप्टर एट में आपसे एक और चैप्टर सिक्स में आपसे दो एम पूछे जाएंगे बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें इस सेक्शन बी के अंदर आपसे एक एक पार्ट पूछा जाएगा यानी कि एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं जी सेक्शन सी के अंदर अटम्प्ट एनी फाइव क्वेश्चन और हर क्वेश्चन जो है वो आठ नंबर का होगा और किस चैप्टर में से uh, इस uh, इस चैप्टर क्वेश्चन uh, में से किस चैप्टर के साथ इसकी पेयरिंग होगी यानी कि uh, जो सेक्शन सी है इसमें uh, जो क्वेश्चन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन है वो किस किस चैप्टर में से लिया जाएगा जो क्वेश्चन थ्री होगा वो चैप्टर नंबर थ्री से उसका एक क्वेश्चन लिया जाएगा चैप्टर फोर uh, जो क्वेश्चन नंबर फोर होगा वो चैप्टर फोर में से होगा जो क्वेश्चन नंबर फाइव है वो चैप्टर uh, सिक्स से लिया जाएगा उसका एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन सिक्स होगा वो चैप्टर एट होगा जो आपका क्वेश्चन सेवन होगा वो ट्वेल्थ चैप्टर से होगा जो क्वेश्चन एट होगा वो आपके पास फोर्टीन चैप्टर में से होगा उसका एक क्वेश्चन इसके अंदर कोई पार्ट्स नहीं होंगे सिर्फ एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन नंबर नाइन जो होगा वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि टेन चैप्टर होगा उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह डी स्टूडेंट्स आपको सेवन क्वेश्चन दिए जाएंगे आपने इसमें से कोई से फाइव क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं हर क्वेश्चन के आठ नंबर होंगे सो इस तरह डी स्टूडेंट्स आपका जो सेक्शन सी है वो कंप्लीट हो जाएगा सो ये थी आपकी पेरिंग स्कीम डी स्टूडेंट्स इसी के ही रेलीवेंट आपके जो फ़ाइनल एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा अपनी दुआ में याद रखिएगा इन चाहक तला जिंदगी वफा की इसी चैनल को भी आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी तब तो तक के लिए इजाज़त दीजिए असल